नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 7 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी, जहां पर हमें इंडिया के बारे, फिजियोग्राफी के बारे समझना और बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे मिले हैं विच यू मे हैव अंडरस्टूड इन माई क्लासेस, बट जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं आफ्टर अटेंडिंग द क्लासेस, आपको हर चीज़ समझ आती है बिल्कुल क्लियरली, जो कि शायद जब पहली बार ही पढ़ रहे हैं हमें कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती, चाहे सिक्स क्लास की एनसीईआरटी हो, आम आदमी के लिए ये भी बहुत मुश्किल है समझना। बट वंस यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स थ्रू द क्लासेस, द थिंग्स बिकम वेरी इजी। ये 15 मिनट का मैक्सिमम चैप्टर है। कोई भी आप अगर छठी कक्षा की बात करें तो मैं ये हमेशा रिकमेंड करूँगा, यू शुड रीड एनसीईआरटी साइमल्टेनियसली सो दैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। यूपीएससी का सोर्स, मेनली सोर्स यही है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाना। और ऐसा नहीं कि जो क्लास में पढ़ाएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन उसको एक तरीके से समझाया गया। जब आप पढ़ते हैं तो एक तरह का एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेट आई नो द थिंग्स। लेट स्टार्ट। इंडिया का वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है। ऊपर अगर आपको पता है, नॉर्थ में वी हैव द हिमालयस, राइट, इन द वेस्ट अरेबियन सी है इधर, और इस तरफ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ इंडियन ओशन। बेसिकली इंडिया एक पेनिनसुला कहा जाता है, नीचे पेनिनसुला। पेनिनसुला वो होता है दिस इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स, राइट, और इंडियन पेनिनसुला, ये डेक्कन पेनिनसुला इसको कहते हैं। इंडिया का अगर एरिया की बात करें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक ये 3200 है, और इधर से अरुणाचल से लेके कच्छ तक 2900 किलोमीटर तक का। लॉफ्टी माउंटेन्स है हिमालय, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, प्लेन्स है, अनइवन प्लेट्यू सरफेस है, एंड देन आइलैंड्स आर देयर। तो इंडिया में आपको हर प्रकार के लैंडफॉर्म मिल रहे हैं, पहाड़ मिल रहे हैं, मैदान मिल रहे हैं, पठार मिल रहे हैं, टापू आइलैंड्स मिल रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन दिस कंट्री, एवरी फिजियोग्राफी। और इसमें भी वेराइटी ऑफ द क्लाइमेट भी मिलेगा आपको, वेराइटी वेजिटेशन भी वेराइटी मिलेगी, वाइल्ड लाइफ, भाषा और कल्चर। उसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारा ज्योग्राफी है, हमारा फिजियोग्राफी है, जिसके कारण आपको क्लाइमेट भी अलग अलग मिल रहे हैं, वेजिटेशन भी अलग अलग मिल रहे हैं, भाषा कल्चर सब की चीज़ है। और सबसे बढ़िया चीज़ इस देश की क्या है, डाइवर्सिटी होने के बावजूद वी फाइंड यूनिटी, और वो हमारे ट्रेडिशंस में मिलती है एज वन नेशन। इंडिया का अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ, 120 करोड़ है इस समय अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब ज़रा लोकेशनल सेटिंग इंडिया की है कहाँ पर लोकेटेड ये बात करना है। इंडिया अगर आपको पता हो तो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास करता है, बिल्कुल हाफ वे से पास करता है। अभी फिगर भी दिखाऊंगा। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टेट्स भी बताई हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी। नहीं पता तो ये याद रखिएगा, निमोनिक बता रहा हूँ, गर्म चाय जी, WTM, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तीन, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इट्स नॉट मणिपुर, इट्स नॉट मेघालय, इट्स मिजोरम, याद रखिएगा। टोटल 8 राज्य हैं जिनसे पास करती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये पूरे इंडिया को अगर आप देखें मैप वाइज तो ऐसा लगता है कि इक्वली डिवाइड करता है। अगर हम साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड की बात करें तो ये वेरी करता है 8 डिग्री 4th नॉर्थ से लेके 37 नीचे, 8 डिग्री 4th नॉर्थ टू 37 डिग्री 6th। ये याद रखने का, 6 + 4 = 10 होता है और आगे 37 और 8 याद रहेगा जी। और इधर से अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट बात करूं तो 68 डिग्री टिल 97 डिग्री, ये एक्सटेंट है ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, ये लेटिट्यूड्स के बीच में। और अगर आपको भी पता, वर्ल्ड को अगर बात करें, डिवाइड करें ईस्टर्न, ये तीन हेमिस्फीयर में, तो इंडिया यहाँ पर आता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 29 डिग्रीज के होने के कारण लोकल टाइम डिफरेंस कई बारी अगर आप चेक करो तो हमने 82.5 डिग्री माना हुआ, लेकिन ये 29 डिग्री के फासले से काफ़ी टाइम का चेंज आ सकता, नियरली 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। अगर आपको पता है 29 डिग्री है, इसको अगर 30 डिग्री माने इंटू 4 तो 120 मिनट्स।
सो द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स एवरी डिग्री, उसी हिसाब से सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट, यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर, इसीलिए हमने 82.5 डिग्री चुना हुआ विच इज एट द सेंटर। देर आर 7 कंट्रीज दैट आर हैविंग लैंड बाउंड्रीज विद अस, आप सभी को पता ही है ये, नेपाल, बांग्लादेश जिसके साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है इंडिया का, और नेपाल का सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया के साथ है जी, ये याद रखे, इंडिया का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ और नेपाल का बॉर्डर इंडिया के साथ है सबसे बड़ा, ये फैक्ट शायद आपके लिए नया हो। ऊपर से ये चाइना, ये भूटान, देन म्यांमार का भी बॉर्डर है हमारे इंडिया के साथ, यहाँ पर, यहाँ पर, और पाकिस्तान के साथ आपको पता ही है रेड क्लिफ लाइन, ये मैकमोहन लाइन, ये चीज़ है, और बिल्कुल ये वखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान का, जो एक टिप पॉइंट है जिसको वैसे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान, इसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता था। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं जी, पॉलिटिकल मैप भी ज़रूर देखना आपके लिए ज़रूरी है, जैसे ये 23.5 डिग्री है, ये 24 डिग्री वाला, इसी प्रकार ये सारी स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा ये 23.5 डिग्री बनाया हुआ डॉटेड वाला, यही हमने स्टेट्स देखी हैं जो कि एक इक्वली डिवाइड कर रहा है हमारे देश को। नेक्स्ट, कई कंट्रीज का समुंदर के साथ एक्सेस ही नहीं है, तो वो भी चीज़ हम समझेंगे, उनको लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहते हैं। और दूसरा है श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करने वाले स्टेट का नाम है पाक स्टेट, ये भी हमने पिछली क्लास में भी देखा था यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले शॉर्ट्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये पुडुचेरी, ये अकेला पुडुचेरी ये नहीं है जी, ये भी पुडुचेरी है, ये भी पुडुचेरी और ये भी पुडुचेरी, मतलब ये जो फ्रेंच टेरिटरी थी 4 भागों में बटी हुई है, यनम जो कि आंध्रा में है, फिर उसके बाद पुडुचेरी तमिलनाडु में, करियाकाल तमिलनाडु में, और महे केरला में, ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए। ये है जी फिजियोग्राफिक मैप जिसमें रिवर्स भी बहुत क्लियरली इन्होंने दिखाया, सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये है ग्रेट हिमालयस, उसके बाद लेसर हिमालयस, एंड देन यू हैव शिवालिक्स, राइट। इसके ऊपर ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, यहाँ से ये यू टर्न लेते हैं, देन यू हैव इज अरावली रेंज विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, इधर इनके डेजर्ट है, ये विंध्यास है, नीचे सतपुराज है, ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, और इन्हीं के बीच में से आपकी रिवर आ रही है नर्मदा, ताप्ती इसके नीचे से है। देन यू हैव इज वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में, और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई में, अनाईमुडी, और ये आपस में कहां पर मिलते हैं, नीलगिरीज, नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक है जी दोदा बेटा, ये कोस्टल प्लेन्स है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इस तरफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, इनको भी डिस्कस करेंगे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, इसको बहुत डिटेल में हमने डिस्कस भी करना है। ये गल्फ ऑफ कच्छ है, 3 गल्फ है, कच्छ, खंबत, ये वाला गल्फ ऑफ कैम्बे और खंबत इसी को कहा जाता है, नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पर। उसके बाद अगर फिजिकल डिविजन्स में हम बात करें तो हिमालयास द अबोड ऑफ स्नो, स्नो कैप्ड है सारा, आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन रेंजेस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड आउटर और शिवालिक्स। ग्रेटर को हिमाद्री कहा जाता है, मोस्ट ऑफ द पीक्स आर लोकेटेड ऑन दिस, हाइएस्ट पीक्स जहाँ पर माउंट एवरेस्ट समझते हैं, ये सब पीक्स इसी के ऊपर, कंचनजंगा ही है। मिडल हिमालयस हिमाचल जो कि हिमाद्री के नीचे ये वाला, एंड देन यू हैव शिवालिक्स, उसके बाद इसके नीचे आता है प्लेन्स एरिया जिसमें एलुवियल डिपॉजिट्स हैं विच आर डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स विच आर कमिंग फ्रॉम हिमालयस, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरी, जो कि हमारे देश का सबसे फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड है और यहीं पर मैक्सिमम पॉपुलेशन है। वेस्टर्न पार्ट अरावलीज के इस तरफ यू हैव इज डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट जिसको कहते हैं, वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है। साउथ ऑफ द प्लेन्स लाइज द पेनिनसुला प्लेट्यू, ऐसे इन शेप है, ट्राइंगुलर शेप में, हाईली अनइवन है, न्यूमरस हिल रेंजेस, अरावलीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डरेट ऑन द नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर, देन यू हैव विंध्यास एंड सतपुरास ऑन द नॉर्थ, रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस, दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये इस तरफ बहती हैं नर्मदा ताप्ती।
द वेस्टर्न घाट्स ऑफ सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। वेस्टर्न घाट्स ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस अगर कंपेयर करें, उनमें तीन पासेज हैं जो मैंने पहले भी आपको बता रखे हैं। सबसे पहले ऊपर फिर ये थाल घाट जो कि मुंबई टू नासिक है, बोर घाट मुंबई टू पुणे है, और पाल घाट कोची टू कोयम्बटूर है। समझ गए जी, थाल घाट है सबसे ऊपर, फिर अब भोर, और फिर है अगला पाल। ये भी पासिस भी बहुत अच्छे से आ गया कि जैसे जैसे क्लासेस पढ़ेंगे आपको समझ आते जाएंगे। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं वैसे कॉन्टिन्यूस है, रादर सारी मेजर नदियां साउथ की इधर से ही शुरू हो रही हैं, कॉन्टिन्यूस भी हैं। ईस्टर्न घाट्स टूटे हुए हैं, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस, और इन ज़्यादा इरेगुलरली हैं, अनइवन है। मैक्सिमम मिनरल्स आपको प्लेट्यू पार्ट में ही मिलते हैं। वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के भी नाम है जी, जैसे मालाबार प्लेन्स कहा जाता है। अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, जो अपना केरला का कोस्टल प्लेन है इसको मालाबार कहते हैं। उसके बाद ये कोंकण कोस्ट है ऊपर वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अदरवाइज ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये नैरो हैं, ज़्यादा वाइड नहीं है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत वाइड है, रिवर्स जा जा के इधर डिपॉजिट करती जा रही है, तो काफ़ी वाइड प्लेन है, मच ब्रॉडर और वाइड है बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर डिपॉजिटिंग। कौन सी सबसे ऊपर? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ऊपर यहाँ पर एक महानदी। ये सब कौन सी है? जो बे ऑफ बंगाल में चलती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, एंड दे मेक द डेल्टा। सुंदरबंस डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे, इसके बारे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कावरती, अगाती, मिनिकॉय, और मिनिकॉय सबसे इसके नीचे, उसके नीचे मालदीव से अलग कंट्री। कौन कौन से चैनल जो सेपरेट करते हैं 8 डिग्री 9 डिग्री, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस तरफ अंडेमान निकोबार, ये पूरे के पूरे कोरल्स के बने हुए हैं। अंडेमान निकोबार में भी कोरल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, और यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस भी काफ़ी पाए गए हैं। ये था जी हमारा हिमालयस के ऊपर। सह्याद्री आपको पता, वेस्टर्न घाट्स का नाम है, पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। आर नोन एज अरेबियन सी में जो माउंटेन्स हैं और मतलब आइलैंड्स हैं उनको हम लक्षद्वीप आइलैंड्स कहेंगे। ओल्डेस्ट इज अरावलीज, इसको एक बारी ज़रूर देखिएगा। बेस बन रहा 6 क्लास की, हमने एनसीईआरटी का सारी चीज़ें कवर की हैं। कोरल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये भी बात करें, कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु जो कैल्शियम सिक्रीट करते हैं जिससे बनता है लैंडफॉर्म। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा जिसको सुंदरबंस डेल्टा कहते हैं। एक्चुअली गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है, और ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम है जमुना। जब ये दोनों मिलती है ना तो वो कहलाती है मेघना, और ये बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबंस। ट्रिब्यूटरी आपको सभी को पता ही है, जो कि सहायक नदी जो मेन रिवर में जुड़ती है। अगर ये नदी जा रही है इसमें छोटी छोटी नदियां जुड़ रही हैं, इनको ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, और अगर इसमें से नदी आगे को सेपरेट हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। जैसे हुगली गंगा से निकलती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। रिवर जब लेके आ रही है अपने साथ सेडिमेंट्स को, उसको एलुवियल सेडिमेंट्स कहा जाता है। आशा है कि सभी को ये पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। इंडिया का एक टाइम जोन इकलौता। सो दैट वॉज अबाउट इंडिया इन द 6th क्लास एनसीईआरटी। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन। मैप अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। थैंक यू। जय हिंद।